कल एक्चुअली मुझे नींद अच्छी तरह से नहीं आया, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था अच्छी तरह से नींद कंप्लीट करने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा 1 सेकेंड तो गाइज आज हम लोग निकलेंगे तेजपुर साइड, जहाँ पे कैनोका विलेज करके एक जगह है जो रिजॉर्ट है एक, मैं आपको वो जगह एक्सप्लोर कराऊंगा। शायद आप लोग कोई कोई देखे हैं और कोई कोई नहीं देखे भी होंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए उस जगह को देखने के लिए। तो चलिए उस डेस्टिनेशन की ओर। से कम 50 किलोमीटर आने के बाद हम लोग अभी सिपाझार में रुके हैं, हाईवे ब्रेक ढाबा करके एक ढाबा का नाम है, वहाँ पे रुके हैं। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट होंगे अभी, ब्रेकफास्ट के बाद भूख भी बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है एक्चुअली। यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स होगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है सबका, तो अभी डायरेक्ट जाएगा कैनोका विलेज। और उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो राइड है ये एक्चुअली राइड ऑर्गेनाइज्ड बाय लुइट राइडर्स ऑफ गुवाहाटी, वो लोग ऑर्गेनाइज किया है ये जो एक छोटा सा राइड है। तो कम से कम 20 से लेकर 25 तक आदमी आए हैं, बहुत आदमी आने वाले थे मगर अनफॉर्चुनेटली कोई कोई नहीं आ पाए। सो अच्छा लग रहा है अभी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वहाँ पर जाके और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए, अगर आपको भरोसा नहीं है लेट्स गो। टू 15 किलोमीटर्स और है बाकी, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, टैंकी भी खाली कर लेते हैं। अभी हम लोग यहां से निकलेंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा, बहुत देर हो गया अभी तक, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था वहां पे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुका है कैनोका विलेज रिजॉर्ट, तो अंदर में क्या क्या है मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, चलिए। तो फाइनली वी रीच कैनोका विलेज। कैनोका मींस वॉट, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ कैनोका एक्चुअली। असमीज में कैनोका मीन्स, थोड़ा टपुरी टाइप का भाषा है, लैंग्वेज है, कैनोका मीन्स हाउ, और हिंदी में आप बोल सकते हैं कि कैसा। तो इसका मीनिंग पूछना पड़ेगा, अगर कोई है तो मैं ज़रूर पूछूंगा। तो सबसे पहली बात, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, इट्स अपकमिंग ए ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। सो अभी साउंड सिस्टम लग चुका है, आई थिंक इट्स गोना बी वेरी रॉक, और बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको सराउंडिंग दिखा देता हूँ, तो चलिए आप लोग देख लीजिए।
केनोका विलेज में आने के लिए थोड़ा सा आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत मुश्किल से आया हूँ, पहुँचा हूँ। और एक्चुअली यहाँ का जो लोकेशन है थोड़ा अलग टाइप का है, गाँव टाइप का है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे सबवे भी है। तो आप जब केनोका मतलब तेजपुर रोड पे आके आपको लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेना पड़ेगा, उसके बाद एक ही रोड पे आपको स्ट्रेट आना पड़ेगा, जो मतलब 20 रास्ता है उस रास्ते से आपको आना पड़ेगा। और उसके बाद आपको टर्निंग बहुत सारे मिलेंगे, मगर अगर आपको पजल लगता है तो आप किसी को पूछ लीजिएगा ज़रूर। तो लास्ट में आके आपको केनोका विलेज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 12 किलोमीटर्स अराउंड होगा। 12 किलोमीटर आने के बाद आपको ये जो जगह है, ये जो रिजॉर्ट है, आपको यहाँ पे आ सकेंगे। ये एक्चुअली एक चिड़िया रखने का घर है। चलिए अंदर क्या है देखते हैं एक बार। अरे यार ये तो खाली है, शायद अभी ये कोई बत्तख बत्तख है नहीं। आप टेंट का भी मजा ले सकते हैं। एक रात में 4-सीटर टेंट का प्राइस है 1600 रुपीज अकॉर्डिंग टू द रिजॉर्ट। वानी इस ग्रास सोफा, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं बैठ के। चलिए आइया, इट्स ग्रेट। I think this place is one of the best weekend celebration place near to Guwahati. नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अदरवाइज यू कैन स्टे हियर ऑल्सो, इट्स डिपेंड ऑन यू ओनली। आई थिंक यू कैन प्ले ऑल टाइप ऑफ गेम्स ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे खाली जगह ऐसे भी है कि आप आराम से कोई ना कोई गेम तो इजीली खेल सकते हैं। एंड दिस इज द स्विमिंग पूल, यू कैन स्विम एंड आराम से आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। लेमन जूस हो, एनी काइंड ऑफ ड्रिंक्स एक्सेप्ट एल्कोहल यू कैन ड्रिंक हियर। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मीन्स इन द सेंस फैमिली वाली जगह है भाई। अभी बारिश स्टार्ट होने वाले हैं तो वेदर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। यहाँ पे सब चीज़ देखने लायक है, बढ़िया सा है। मैं आपको चारों ओर दिखाई दिया हूँ, ये देखिए आप केनोका। इस रिसोर्ट का मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यही लगा, ऊपर में ग्रीन, नीचे में ये सब नेचुरल बनाया है। सिर्फ यहाँ पे रॉड दिया है और बाकी ये ग्रास है। ये बहुत बढ़िया घर है दैट वन। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, अभी प्रोग्राम अटेंड करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है प्रोग्राम में। एंड इट्स टाइम टू रेस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। इस स्लो राइड पे मैं भी पार्टिसिपेट किया था, अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया और अभी फाइनल राउंड चल रहा है, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। राजू फुल फॉलो रहते कंसंट्रेशन रूपा वा ससुर कुलाई नहीं रूपा जेपीडी
So first is Raju and second is Bhuvi, the committee member. एक्चुअली ये गेम को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एकदम से मालूम नहीं है, अगर मालूम हो तो आप ज़रूर कमेंट पे ज़रूर बोलिएगा। और मैंने एक नाम दिया है, उसका नाम है अंधाधुन। अंधाधुन कंपटीशन चल रहा है अभी। इस रिजॉर्ट की ओनर का मम्मी का नाम से ये रिजॉर्ट का नाम पड़ा कैनोका रिजॉर्ट। आप कनोका भी बोल सकते हैं, कैनोका भी बोल सकते हैं, एज यू विश। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बोलिएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आयो होम, बाय बाय। Set. Come on, check. Go! Ready, yeah, bro.